पे हमारे चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आने हैं, हम सब की तरफ से आपका सर वेलकम है। और सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं कि जनाब ने ज्वाइन करते ही काम को प्रायोरिटी दी और हमारा रिव्यू रख लिया। और इसके बाद सर, सेक्टर ऑफिसर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, खुद वन बाई अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगे। थैंक यू। खुर्शीद अहमद तांत्रे, नायब सदर हवेली पुंछ। सर मोहम्मद फरीद, फरीद वार्डन जीएनबी पाल। गुड इवनिंग सर, मोहम्मद अकरम सिटी। गुड इवनिंग सर, सलीम अहमद एसटीएम सर। गुड इवनिंग सर, वीरेंद्र सिंह डीआईओ एनआईसी। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, हमारे एसडीएम्स, सीपीओ साहब, तमाम डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल हेड्स, ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है जो आज हम कर रहे हैं, ताकि मेरी आप लोगों से फेस टू फेस पहचान हो जाए। पर इस मौके का मैं कुछ फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं कुछ जो मेरे दिमाग में है, जिस ढंग से जो है मैं आप लोगों से ताउन चाहता हूँ, जिस ढंग से हम इस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं उन चीज़ों पे कुछ मोटी मोटी चीज़ों पे बात करूँगा। तो आग्रह रहेगा कि आप जो कहा जाता है उसको नोट कर लीजिए, नोट ये नहीं कि पेन कॉपी करके नोट कर लीजिए, उसको आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। और मेहरबानी करके उस पे चलने की कोशिश करिए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, अभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्रेस मांगेंगे, डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू मांगेंगे, रीज़न मांगेंगे, जो एक्सपेंडिचर में जो चीज़ों में होता है। तो हम जो पैसा खर्च करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वो मोटे तौर पे दो हेड्स रहते हैं। एक होता है जो स्टेट का बजट होता है, जिसको हम केपेक्स से बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें कोई इतना डेवलपमेंट के इशू नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर जो है मुलाजमों की सैलरी वगैरह के इश्यूज होते हैं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके कुछ अपने रूल्स हैं, अगर आप उस हिसाब से खर्चा करते हैं तो कुछ अगर बच भी जाता है और नेक्स्ट ईयर में रिवैलिडेट हो जाता है। सिंक्रोनाइज करना है, इनकी पावर्स डेलीगेट होंगी, इनका जो है प्रोटोकॉल भी बनेगा, इनके ऑफिस भी बनेंगे, सब चीज़ें होंगी। ये शिफ्ट है एक सिस्टम के गवर्नेंस से दूसरी तरफ एक शिफ्ट है। तो कोई भी मुलाजम जो है उसको इनके साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है। जो इनको डिजर्टिमेट पावर्स हैं, जो इनको अथॉराइजेशन दी गई हैं, उनके हिसाब से इनके साथ काम करना है। हद इख्तियारी मैंने जो आपके दायरे में पड़ती हैं तो उनको हल करिए, जो नहीं पड़ती हैं तो उनको जहां जहां से हल हो सकती हैं उनको वहां तक। जियोलॉजी एंड माइनिंग, क्या पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट में जो जी?